हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज हम बात करेंगे एक नई मेडिसिन के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नई मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन का नाम है बेटनोवेट एन क्रीम। तो बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में हम बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप के स्किन इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। काफ़ी लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्किन इन्फेक्शन में बेटनोवेट एन क्रीम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो बेटनोवेट एन को जो मैन्युफैक्चर करती है वो GSK कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। GSK फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको बनाती है। बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग कितनी है। तो इसकी जो प्राइसिंग होती है वो 3600 रुपये होती है, यानी इसके 20 ग्राम का जो ट्यूब होता है उसकी जो कीमत होती है वो 3600 रुपये होती है। एंड इसका जो 25 ग्राम का जो ट्यूब होता है उसकी कीमत होती है 4500 रुपये। तो 3600 रुपये और 4500 रुपये इसकी कीमत होती हैं। एंड इसमें दो ड्रग काम करती हैं। पहला होता है बीटा मैथिसोन जो 0.1% में होता है, दूसरा होता है नियोमाइसिन 0.5% में। बीटा मैथिसोन एंड नियोमाइसिन इसके दो ड्रग हैं जो आपस में मिलकर काम करती हैं। अभी काम कैसे करती हैं इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट ड्रग होती है बीटा मैथिसोन, तो बीटा मैथिसोन एक स्टीरॉयड है जो केमिकल मैसेंजर को बनने से रोकता है। जो केमिकल मैसेंजर बन रहे होते हैं जिसके कारण से स्किन में रैशेज आ जाते हैं या फिर स्किन सूज जाती है या फिर खुजली मचती है, तो ये उन केमिकल मैसेंजर के काम को रोकता है। जो नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये करता ये है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो प्रोटीन बनती है ये उसके प्रोटीन बनने के काम को रोक देती है, जिससे हमारी त्वचा पर बैक्टीरिया का विकास ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो बीटा मैथिसोन और नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन में काम करते हैं जिससे हमारे स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब इसका बेसिक यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ ये है कि काफ़ी लोगों को स्किन में लाल लाल चकते पड़ जाते हैं या फिर स्किन में खुजली होने लगती है या फिर लाल लाल निशान हो जाते हैं या फिर स्किन में रिंग जैसा निशान बन जाते हैं। तो किसी भी टाइप के स्किन इन्फेक्शन में इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इस क्रीम को यूज़ करने पर जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो बेटनोवेट एन क्रीम के साइड इफेक्ट बहुत आम साइड इफेक्ट हैं जो बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको उल्टी हो सकती है या फिर दस्त हो सकते हैं या फिर आपका मन घबरा सकता है। तो ये क्रीम को बेसिकली आप आउटर पार्ट में यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ की क्रीम है तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट ऐसे होते नहीं हैं कि जिन साइड इफेक्ट में आपको घबराने की ज़रूरत हो। अब ये क्रीम डॉक्टर ने आपको कल दी हुई है लेकिन इस क्रीम को आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है मार्केट में आपको क्रीम नहीं मिल रही है। तो उस केस में इसके कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं, जैसे कि बीटा मायसिन एन क्रीम आती है वो आप ले सकते हैं, बीटा बेंट एन क्रीम आ सकती है आप वो भी ले सकते हैं। तो ये दो इसके ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं अगर ये क्रीम आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो। एंड ये एक एक्सटर्नल यूज़ की क्रीम है तो आप इसे इंटरनल यूज़ मत कीजिए या फिर आप अपनी आंखों के पास इसको मत लगाइए। ये एक्सटर्नल यूज़ की क्रीम है तो आप इसको बाहरी अंगों में ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटनोवेट एन क्रीम का बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ।